चलो तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 17 से। आप लोगों को सेक्शन से याद करने में दिक्कत हो रही है क्या? जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतने में, कम से कम उतने में नहीं। कनेक्शन बैठ गया आप लोगों का 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। कंफ्यूजन होगा तो सेक्शंस को याद करने के लिए, मतलब इन बिटवीन कोवर्जन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक में, तो आपको याद रखना है 17 नंबर। 17 नंबर हमेशा खतरा डिनोट करता है। हाँ, तो आपको क्या याद रखना है? 17, 17 इज खतरा, खतरा इज वॉट? फ्रॉड। तो आपको ऐसे याद रखना है, फ्रॉड कहाँ पे होते हैं? सेक्शन 17 में होते हैं। यहां तो क्लियर है? तो आप ऐसे अगर याद करोगे बिटवीन का सेक्शन, सेक्शन 17 इज फ्रॉड, तो उसके पहले दो सेक्शन है, उसके बाद में दो सेक्शन है। उसके पहले के जो दो सेक्शन है वो है कोवर्जन और अंड्यू इन्फ्लुएंस। पहले कोवर्जन आता है, फिर अंड्यू इन्फ्लुएंस आता है। सेक्शन 17 के बाद दो सेक्शन है, मिसरिप्रेजेंटेशन का और मिस्टेक का। मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 में दिया गया, लेकिन मिस्टेक कहां कहां दिया है? 20, 21 एंड 22 में। तो आपको ऐसा कुछ लिंक बिठाना है ताकि आपको ये पांच सेक्शन तो कम से कम अच्छे से याद हो जाए। यहां तक क्लियर है? चलो, अब फ्रॉड का मतलब क्या है? आप लोगों ने बहुत बार फ्रॉड सुना होगा, आप लोगों ने बहुत लोगों के नाम सुने होंगे कि लोगों ने कैसे फ्रॉडलेंट एक्टिविटी किया। जैसे सत्यम था, सत्यम का स्कैम बाहर आया, दैट वाज अ फ्रॉड एक्टिविटी ओनली। विजय माल्या अंकल है, उन्होंने भी कुछ ना कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करी है। फिर उसके बाद स्कैम 1992 आया था, आप लोगों को वो भी पता है। तो हर तरीके से बहुत सारे लोगों ने क्या किया, कॉर्पोरेट लेवल पे जाके फ्रॉड किया है, बराबर की नहीं। जब अगर कोई इंसान कॉर्पोरेट लेवल पे फ्रॉड कर सकता है, तो डोंट यू थिंक कि आप और मैं जैसे लोग भी फ्रॉड कर सकते हैं, और करते ही होंगे कहीं ना कहीं। खाली कुछ फ्रॉड जो होते हैं सामने दिख जाते हैं, कुछ फ्रॉड सामने नहीं दिखते हैं। यस और नो? जीएसटी आ गया, जीएसटी में कितना फ्रॉड हो रहा है। अगर आप लोग जीएसटी के नोटिफिकेशंस रीड करोगे, या उनकी केस स्टडीज रीड करोगे, तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे जीएसटी में फ्रॉड हो रहे हैं। और एक आधा फ्रॉड तो हमारे जो अंजय सर है वो खुद हैंडल कर रहे हैं फ्रॉड के केसेस को। तो ऐसे अगर आप कॉर्पोरेट दुनिया में आओगे ना जब, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें हो रही है मार्केट में, जिससे हम सब क्या है, अवेयर है। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, और उसके बाद आपको जो न्यूज चैनल्स होते हैं वो आपको देखना होता है। इतना आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, कहाँ पे क्या हो रहा है इकोनॉमी में। ठीक है, तो फ्रॉड 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 बहुत सुना है, बट एग्जैक्टली व्हाट इज फ्रॉड ये नहीं पता है आपको और मुझको। तो उसी के लिए हमारे सिलेबस में है कि सेक्शन नंबर 17 में यही लिखा है कि फ्रॉड क्या होता है, या किस एक्टिविटी को या किस ट्रांजैक्शन को आप फ्रॉड बोल सकते हो। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दिया है फ्रॉड का, यू हैव टू ट्राई टू रिमेम्बर इट। क्लासरूम में ही इसको याद करने का ट्राई करना है हम लोगों को। क्लियर है? हाँ, चलो स्टार्टिंग विथ फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स। तो फ्रॉड का इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ये बता रहे कि फ्रॉड क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो इट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। तो आपको पढ़ना है फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ, खत्म। इतना सिंपल एक लाइन तो याद हो जाएगी आप लोगों को, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय। इतना याद कर लोगे? पहली लाइन में तो कुछ है ही नहीं याद करने जैसा, मतलब आपको सिंपल सा एक मीनिंग लिखना है। जैसे आप हमेशा लिखते हो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, बराबर कि नहीं? फिर आपको याद क्या रहता है वो पता नहीं, लेकिन क्या लिख के आते हो आपको पता होता है। तो कुछ तो लिख के आ जाते हो, बस वैसा ही है। तो फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड। अब कौन एक्ट कमिट कर सकता है? अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। हम कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशन में पढ़ रहे हैं, तो हम कॉर्पोरेट्स पे जा ही नहीं रहे, ठीक है, हम इंडिविजुअल लेवल पे रुक रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट का कोई पार्टी हो सकता है कि नहीं जो फ्रॉड कमिट कर रहे हैं? दोनों पार्टी फ्रॉड हो सकती है क्या? शायद दोनों पार्टी का इंटेंशन हो एक दूसरे को फंसाने का और फ्रॉड करके निकल जाने का, लेकिन जनरली एक पार्टी तो मिनिमम होती ही है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में, अगर उनको फ्रॉड करना है तो। कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कोई ट्रांजैक्शन जो किसी कॉन्ट्रैक्ट की किसी एक पार्टी ने कमिट किया होगा, ठीक है, और विथ हिज कॉनिवेंस, तो इसके कॉनिवेंस से भी हो सकता है, मतलब आपके सपोर्ट से या आपके हेल्प से या आपके इन्फ्लुएंस से कोई फ्रॉड कर रहा है, बराबर की नहीं? तो अगर एक्स और वाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, तो एक्स खुद से फ्रॉड नहीं कर रहा है, एक्स ने क्या किया, किसी पर्सन को हेल्प किया है फ्रॉड करने के लिए वाई के साथ। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस yes. तो आप उसकी सहायता कर रहे हो फ्रॉड करने में। और बाय हिज एजेंट, एक्स ने बोला अपना नाम नहीं खराब करना मेरे को, मैं किसी एक पर्सन को अपॉइंट करता हूं, जो पर्सन क्या करेगा, फ्रॉड करेगा वाई के साथ, मैं फ्रॉड नहीं करूंगा, मेरा जो चेहरा है वो क्या है, क्लीन है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है।
क्यों कर रहा है ये? सो विद एन इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी, जो दूसरी पार्टी है उस पार्टी को डिसीव करने के इंटेंशन से. डिसीव करने का मतलब क्या होता है? हार्म पहुंचाना, हार्म पहुंचाना, डैमेज करना, लॉस कराना, ये क्या है? उसका इंटेंशन है. समझ में आ रहा है आप लोगों को? देयर टू और हिज एजेंट, या तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी का हार्म हो, नुकसान हो, डिसीव करना है उसका इंटेंशन, या कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है जो अदर पार्टी है उसके किसी एजेंट को नुकसान पहुंचाना हो सकता है, और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. या तो आप उसको इंड्यूस कर रहे हो, फ्रॉड यूज करके आप उसको इंड्यूस कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में क्या करे, एंटर करे. यहां तो समझ में आया आप लोगों को फ्रॉड? इसमें इसमें क्या है फ्रॉड, आपको समझ में आया? चार लाइन पढ़ने के बाद फ्रॉड क्या है समझ में आ गया आप लोगों को? अभी तक नहीं समझाया है. एनी एक्टिविटी क्या, वो बताया ही नहीं. देखो तो पहली लाइन में क्या लिखा है, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कमिटेड बाय. तो फॉलोइंग एक्टिविटी तो इधर लिखी हुई है. अगर आपने इसमें से कोई एक्टिविटी कमिट किया है तो हम बोलेंगे फ्रॉड हुआ. लेकिन कौन कमिट कर सकता है तो वो यहां पे लिखा हुआ है कि कौन कमिट कर सकता है. पढ़ोगे आप लोग इसको एक बार? फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विथ हिज कॉनिवेंस और बाय हिज एजेंट विथ एन इंटेंटेड इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी देयर टू और हिज एजेंट और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब फ्रॉड करने वाली पार्टी कौन हो सकती है? किसी कॉन्ट्रैक्ट का कोई एक पार्टी हो सकता है, उसके सपोर्ट वाला कोई पर्सन हो सकता है, या फिर उसका कोई एजेंट हो सकता है जो क्या कर रहा है, फ्रॉड कमिट कर रहा है. क्यों कर रहा है? ताकि जो दूसरी पार्टी है उसको डिसीव कर सके, हार्म कर सके, या उसके एजेंट को नुकसान पहुंचा सके, या उसको इंड्यूस कर सके, बहला फुसला के उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर सके, एंटर करवा सके. बराबर की नहीं? तो हम क्या बोलेंगे, अगर ऐसा किसी पर्सन ने ट्रांजैक्शन किया तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉड हुआ है. लेकिन एक्टिविटी क्या है, कि कौन सी एक्टिविटी होगी तो हम बोलेंगे कि ये फ्रॉड है. तो यहाँ पे पांच एक्टिविटी लिखी हुई है. अगर इस पांचों एक्टिविटी में का कोई भी आप एक एक्टिविटी कमिट करते हो तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉड हुआ है. समझ में आ रहा है? तो पहला पॉइंट क्या है, द सजेशन एज अ फैक्ट. आप क्या दे रहे हो? सजेशन. क्या आप लोगों की आदत है सजेशन देने की? मतलब आपके साथ आपके जो दोस्त लोग रहते हैं, कुछ उनके साथ बुरा होता है तो आप बहुत सजेशन देना चालू कर देते हो, अरे ऐसा कर, अरे वैसा कर, अरे वैसा कर, हाँ कि ना? तो आप कोई सजेशन दे रहे हो, द सजेशन एज अ फैक्ट, जो क्या है, एक फैक्ट है ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू. मतलब आप उसको किसी ऐसे फैक्ट का सजेशन दे रहे हो जो सही नहीं है, जो गलत है. By one who does not believe it to be true. और ये सजेशन कौन दे रहा है? वो इंसान दे रहा है जिसको पता है कि ये सही नहीं है, ये गलत है, फिर भी आप किसी को कोई चीज सजेस्ट कर रहे हो, तो क्या वो फ्रॉड माना जाएगा? Say for example, ये मारुति सुजुकी 800 की कार है, हो सकती है कि नहीं हो सकती है? मार्केट में बहुत चल रही है मारुति सुजुकी 800 वाली कार है ये. अब ये कार, मुझको पता है कि ये कार जो है माउंटेन पे नहीं लेके जाई जा सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो पावर होनी चाहिए कार के अंदर, जो माउंटेन पे आपको लेके जा सके, वो नहीं है इस कार के अंदर, वो पावर नहीं है. मैं फिर भी बोलती हूँ कि नहीं, आप लेके जाइए इस कार को, देखिए ऐसा माउंटेन पे दौड़ेगी ना ये कार, किसी और की कार दौड़ेगी नहीं, ऐसी ये कार दौड़ेगी. तो मैं कुछ एक फैक्ट बता रही हूं, मैं कुछ सजेशन दे रही हूं कि हाँ ये कार बहुत अच्छी है माउंटेन्स के लिए, जो मुझको पता है कि ये सही नहीं है. मैं खाली अपना कार बेचने के चक्कर में पड़ी हूं, मुझको पता है ये सही नहीं है, इसको आप माउंटेन के लिए लेके जाओगे, चढ़ना चालू करोगे वहीं बंद हो जाएगी, चालू ही नहीं होगी, वो रिवर्स आने लगेगी. समझ रहे आपको? मुझको पता है ये कार उस पर्पज के लिए सूटेबल नहीं है, फिर भी मैं बोलती हूँ आप लेके जाइए, ये कार बहुत सही कार है. बताओ, मुझको पता है ना ये ऐसी नहीं है कार, मुझको पता है ना, लेकिन मैं झूठ बोल रही हूँ ना, मैं उनको कुछ ऐसा सजेस्ट कर रही हूँ जो मुझको पता है ये गलत है, फिर भी मैं उनको सजेस्ट करूँ कि आप ये करिए सही है, तो क्या मैं फ्रॉड कर रही हूँ? यस.
सो द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू. सो खुद को बिलीव है कि ये ट्रू नहीं है, फिर भी झूठ बोल रहा है सामने वाले को कि नहीं नहीं ये सही है, आप लेके जाइए, ये ऐसा ही है. तो ये क्या है? फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है. पहला, यहां तक क्लियर है आपको? दूसरा, the active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact. मुझे पता है कि अगर मैं मारुति सुजुकी 800 में किसी को बेचने जा रही हूं, मुझको पता है कि मेरी कार का इंजन खराब है, मुझको पता है मेरी कार का इंजन खराब है, और जब ये कार लेके जाएगा मेरे से खरीद के तो उसको बार बार इसकी सर्विसिंग करवानी पड़ेगी. यहां तक हो सकता है कि उसको आगे जाके इंजन चेंज करवाना पड़ सके, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ कि नहीं नहीं इसका इंजन बहुत सही है, क्लासी इंजन है, आप लेके जाइए, आपको अगले 5 साल तक कुछ काम करवाने की जरूरत ही नहीं है. अब क्या मैं झूठ बोल रही हूं? मैं क्या कोई एक फैक्ट है जो मैं छुपाने का ट्राई कर रही हूं? मुझको पता है कि ये इसकी इंजन खराब है, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ? इसकी इंजन बहुत सही है. सो द एक्टिव कंसीलमेंट, तो मैं एक्टिवली छुपा रही हूं. कंसीलमेंट का मतलब क्या होता है? छुपाना. मैं एक्टिवली छुपा रही हूं किसी फैक्ट को जो मुझे उसको बताना चाहिए, लेकिन मैं बता रही हूं क्या? नहीं. सो द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट. मुझको पता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको बोल रही हूँ कि इंजन बहुत सही है, तो मैंने एक्टिवली छुपा दिया ना, कंसील किया ना, तो क्या मैंने फ्रॉड कमिट किया? यस, मैंने फ्रॉड कमिट किया. तीसरा, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट. मतलब मैंने प्रॉमिस किया लेकिन मेरा कोई इंटेंशन नहीं है परफॉर्म करने का, तो क्या ये फ्रॉड में माना जाएगा? यस. तो लॉ बोलता है कि जब कोई पार्टीज प्रॉमिस करती है एक दूसरे, जैसे अपना कॉन्ट्रैक्ट का शुरुआत ही वहीं से होता है ना, ऑफर ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, प्रॉमिस बनता है, शुरुआत ही यहीं से होती है. तो किसी ने ऑफर दिया और किसी ने एक्सेप्टेंस दिया. अब जिस पर्सन ने एक्सेप्टेंस दिया है, इसका कोई इंटेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का, लेकिन फिर भी झूठ मूठ का एक्सेप्टेंस दे दिया कि हाँ हाँ मैं ये काम करूंगा. तुम्हारी जिंदगी में बहुत होता होगा ऐसा, तुम भी बहुत सारे प्रॉमिसेस करते हो, हाँ कि ना? पापा से, मम्मी से, भाई से, बहन से, फ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, पता नहीं कितने लोगों से कितने प्रॉमिसेस करते हो. क्या आप लोग सारे प्रॉमिसेस को फुलफिल करते हो? अच्छा, प्रॉमिस करते हो तो क्या आपका इंटेंशन होता है परफॉर्म करने का? उसको इंटेंशन तो दूर दूर तक नहीं होता. आप खाली हाँ उनको उनके उनके मन को रखने के लिए आप क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है हम लोग ये काम कर देंगे, लेकिन आपका परफॉर्म करने का कोई इंटेंशन नहीं होता है. तो यहाँ पे भी क्या कमिट हुआ है? फ्रॉड कमिट हुआ है बाय द अदर पार्टी. ठीक है. एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई दूसरा एक्ट जिससे आप सामने वाले पर्सन को क्या कर रहे हो, हार्म पहुंचा रहे हो, कोई भी एक्ट हो, तो सामने वाले पर्सन का नुकसान हो रहा है ना, दैट मीन्स इट इज अ फ्रॉड. और लास्ट में क्या बोला है? एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट. ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं, एक्ट मतलब यहाँ पे मैं एक्टिविटी की बात कर रही हूँ, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज है जिसको लॉ खुद बोलता है अगर आपने ये किया तो ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी मानी जाएगी, फिर भी आप वो एक्टिविटी कर रहे हो. तो मुझे बताओ क्या आपने फ्रॉड कमिट किया है? यस, आपने फिर फ्रॉड कमिट किया. लॉ बोलता है ना अगर आप ये काम करोगे तो फ्रॉड माना जाएगा, और आपने वो काम किया तो फ्रॉड है कि नहीं है? लॉ बोलता है अगर आपने ये काम नहीं किया तो फ्रॉड माना जाएगा, और आपने वो काम नहीं किया तो क्या वो फ्रॉड है? यस, सच एक्ट और ओमिशन, तो वो भी फ्रॉड माना जाएगा. लॉ ने बोल दिया ना कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो फ्रॉड माना जाएगा, और आपने वो काम नहीं किया तो वो फ्रॉड माना ही जाएगा. समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये 5 कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें ये बताया गया है कि फ्रॉड क्या होता है. इन 5 एक्टिविटी में से कोई भी एक एक्टिविटी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडर किया गया है या यूज किया गया है तो हम बोलेंगे वहां पे क्या हुआ है? फ्रॉड कमिट किया गया है. यहां तक क्लियर है? यहां पे फ्रॉड का डेफिनेशन अब मॉड्यूल से पढ़ेंगे क्योंकि मैंने मेरे बुक में कुछ ज्यादा ही गंदा कर दिया है, तो मॉड्यूल से आपको पढ़ना है. और ये फ्रॉड का डेफिनेशन अभी के अभी आपको 5 से 10 मिनट में याद करके मुझको सुनाना है. पहले मैं पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद आप पढ़ के सुनाओगे मुझको. ठीक है, जो आपकी नींद आ रही है ना, नींद से भागेगी अभी. चलो मेरे साथ रीड करोगे. फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट or with his connivance or by his agent
with an intent to deceive another party thereto, or his agent, or to induce him to enter into the contract. यहां तक बोल पाओगे? कौन सी एक्टिविटी हो अगली पांच लाइन में लिखी हुई है? द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू. द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट. A promise made without any intention of performing it. Any other act fitted to deceive. Any such act or omission as the law specifically declares to be fraudulent. यहां तक क्लियर है? इसको प्रोनाउंस करते हैं कनॉइवेंस. पता नहीं मैं प्रोनाउंस क्यों नहीं कर पा रही हूं, पर इट इज कनॉइवेंस. ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, इसको याद करना है, इस डेफिनेशन को याद करना है. तीन लाइन ऊपर लिखे हुए हैं कि हु कैन कमिट द फ्रॉड, और उसके नीचे पांच पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसको हम फ्रॉड बोलते हैं. यहां तक ठीक है? चलो, आई होप आप लोगों को फ्रॉड का डेफिनेशन याद हो गया है. ठीक है, आगे बढ़ते हुए. अच्छा, मैं कल जब ये नोट्स अपडेट कर रही थी और जब मैं मॉड्यूल देख रही थी, मॉड्यूल से क्रॉस रेफर कर रही थी, तो मैंने देखा बहुत सारे पॉइंट्स है ना मॉड्यूल ने निकाल फेंके हैं. मतलब जो पिछली बार थे, जो बहुत ही मुश्किल से बच्चे याद करते थे, इस बार उन्होंने वो निकाल दिए थे. तो कितने बल्ले बल्ले कर रहे हैं वो. खुश हो गया विनायक कि हाँ चलो अच्छा है, बहुत सारे पॉइंट्स निकाल दिए. तो उन्होंने क्या कर दिया, मॉडल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया ताकि आप लोगों को ईज हो जाए चीजों को याद रखने के लिए. तो एक नया पॉइंट ऐड हुआ है, फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द फ्रॉड. मतलब फ्रॉड होने के लिए क्या क्या एलिमेंट होना जरूरी है. तो पहला उन्होंने क्या बोला, देयर मस्ट बी रिप्रेजेंटेशन और असर्शन एंड इट मस्ट बी फॉल्स. मतलब आपको सेंटेंस बता रहे हो, कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हो जो क्या है, गलत है, और आपको इसका नॉलेज है कि ये गलत है, फिर भी आप उसको रिप्रेजेंट करते हो कि ये सही है, तो क्या आप फ्रॉड कर रहे हो? जोर से हाँ बोलो. हाँ बोला तो यस बोल रहे हो. हाउएवर साइलेंस मे अमाउंट टू फ्रॉड और एन एक्टिव कंसीलमेंट मे अमाउंट टू फ्रॉड. तो यहां पे अब इन्होंने क्या दिया, साइलेंस फ्रॉड हो भी सकता है, तो साइलेंट फ्रॉड नहीं भी तो हो सकता है, बराबर कि नहीं? प्रोबेबिलिटी, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई करो इधर. अगर यहां पे लिखा है साइलेंस मे अमाउंट टू फ्रॉड, तो इसका ये भी तो मतलब हो सकता है साइलेंट मे नॉट अमाउंट टू फ्रॉड. हाँ हाँ, ये आपको आगे पढ़ाना है मेरे को. व्हेन द सिचुएशंस वेयर द साइलेंस इज फ्रॉड एंड देयर आर सिचुएशंस वेयर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड. यही वो एरिया है, यही वो पेनफुल एरिया है जहां पे बच्चे है ना ऐसे मतलब बिखर जाते हैं. इसको समझ में नहीं आता कि ये फ्रॉड कब है और ये फ्रॉड कब नहीं है, यही समझना है. और इसी पॉइंट को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ करता था अब तक के सिलेबस में, पिछले वाले सिलेबस में. थोड़ा सा ईज कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया, तो ज्यादा आपको दिक्कत देने की जरूरत नहीं है. अब आप लोगों ने देख लिया कि एलिमेंट क्या क्या होने चाहिए. एक या तो मिस रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और असर्शन होना चाहिए उस चीज का जो आपको पता है झूठ है, और आप उसको रिप्रेजेंट करो कि नहीं नहीं ये सही है, समझ में आ रहा है, तो फ्रॉड है, बराबर कि नहीं? अब उसके आगे जो भी पॉइंट लिखे थे ना, अब हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे. मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिखा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वेदर साइलेंस इज फ्रॉड और नॉट. ठीक है, पहले मैं देख लेती हूँ अपडेटेड वाले ओपन किया है कि नहीं, अपडेटेड ये. तो वेदर साइलेंस इज फ्रॉड और साइलेंस इज नॉट फ्रॉड कैसे मालूम पड़ेगा, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए यू हैव टू अंडरगो सर्टेन सिचुएशंस. तो साइलेंस का मतलब क्या होता है, शांत रहना, कुछ नहीं बोलना इज साइलेंस, बराबर की नहीं? जैसे आप लोग अभी क्या हो, साइलेंट हो. आप लोगों को कुछ बोलने बोलो तो आप क्या हो जाते हो, चुप हो जाते हो, कुछ बोलते ही नहीं हो. और जब बोलो कि शांत रहो तो आप क्या करते हो,
बात ही करते रहते हो, तो रिवर्स सिचुएशन है. लेकिन आपको पढ़ना क्या है, साइलेंस. ऐसे सिचुएशन जहां पे साइलेंस फ्रॉड माने जाते हैं एंड ऐसे सिचुएशन जहां पे साइलेंस फ्रॉड नहीं माने जाते हैं. तो व्हेन देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक, ड्यूटी टू स्पीक मतलब आपके ऊपर एक ड्यूटी है, आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि आपको बोलना है, आपके ऊपर ड्यूटी है आपको बोलना है, और आप नहीं बोलते हो तो क्या आपके साइलेंस को मैं फ्रॉड मान लूं? मतलब लॉजिक यूज करके बोलो. लॉ बोलता है ये आपकी ड्यूटी है बताना, ये आपकी ड्यूटी है बोलना, और आपने नहीं बोला तो क्या मैं आपके इस साइलेंस को फ्रॉड मान लूं? यस, फ्रॉड माना जाएगा. भाई मेरी ड्यूटी थी बताना कि भैया ये है और आपने ये बताया ही नहीं, तो यहां पे मेरा जो साइलेंस होगा ना, मेरा जो साइलेंस होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज अ फ्रॉड. जहां पे मेरी ड्यूटी है ही नहीं कुछ बोलने की और मैं वहां पे साइलेंस रहती हूं, तो क्या इसको फ्रॉड मानोगे आप लोग? क्या फ्रॉड मानोगे? मतलब मेरे ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है आपको कोई फैक्ट बताना और मैंने नहीं बताया, तो क्या मैंने फ्रॉड कमेंट किया? भाई मेरी ड्यूटी में ही नहीं था ना वो, तो मैं क्यों बताऊं आपको? मेरी ड्यूटी है और मैंने नहीं बताया तो मैंने फ्रॉड किया. मेरी ड्यूटी नहीं है और मैंने नहीं बताया तो क्या मैंने फ्रॉड किया? क्या नहीं किया? तो बहुत सिंपल है. यहां पे मैं छोटा सा चार्ट बना रही हूं आप लोगों के लिए, आप लोग भी जब मन करे तब बना लेना. ड्यूटी टू स्पीक है आपकी, ठीक है? अगर आपकी ड्यूटी टू स्पीक है, अगर इसमें आंसर आपका यस आता है कि हाँ आपका जिम्मेदारी था, आपकी ड्यूटी थी ये बात बताना और आपने नहीं बताया, यू रिमेन साइलेंस, तो यहां पे क्या माना जाएगा? फ्रॉड माना जाएगा. अभी खाली आप इतना समझो, सिचुएशंस में आगे लेके चल रही हूं आपको. उसमें आपका ड्यूटी था बोलना तो आंसर इज यस, क्या आप बोले? नहीं बोले, आप क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा. तो क्या आपने फ्रॉड कमिट किया? तो आंसर इज यस, आपने फ्रॉड कमिट किया. आपकी ड्यूटी थी क्या बोलना? नहीं. और फिर आप साइलेंस रह गए, आपकी ड्यूटी नहीं थी इसके लिए आपने नहीं बोला, तो क्या ये फ्रॉड है? क्या ये फ्रॉड है? इट इज नॉट अ फ्रॉड. इतना याद कर पाओगे आप लोग? सिंपल है. ड्यूटी टू स्पीक याद रखना आपको, आपकी ड्यूटी है बोलना और आपने नहीं बोला तो आपने फ्रॉड किया क्या? यस. आपकी ड्यूटी नहीं थी बोलना और आपने नहीं बोला तो आपने फ्रॉड किया क्या? हो गया लिख के. ड्यूटी टू स्पीक के नीचे से दो एरो आएंगे, एक में यस लिखना है कि हाँ यहाँ पे आपका ड्यूटी था बोलने का एंड यू रिमेन साइलेंट तो इट इज अ फ्रॉड. यहाँ पे आपकी ड्यूटी नहीं थी बोलना एंड यू रिमेन्ड साइलेंट, इट इज नॉट अ फ्रॉड. ठीक है, चलो अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर वन की तरफ लेके जाती हूँ. ये देखो यहाँ पे एक सेलर है, दिख रहा है आप लोगों को? सेलर दिख रहा है आपको? सेलर दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ आपको बायर दिख रहा है? हाँ. तो यहाँ पे एक सेलर है, वो एक ऑक्शन सेल के थ्रू क्या बेच रहा है? हॉर्स बेच रहा है. ठीक है, ऑक्शन सेल के थ्रू हॉर्स बेच रहा है. किसको? बायर को. यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अब ये जो हॉर्स है ना, ये हॉर्स है ना जो थोड़ा सा अनसाउंड माइंड है. हॉर्स क्या है? अनसाउंड माइंड है. लेकिन सेलर को नहीं पता कि हॉर्स अनसाउंड माइंड है, या मैं बोल रहा हूं उसको पता भी है, उसने ये जो हॉर्स अनसाउंड माइंड है उसने बायर को नहीं बताया, क्योंकि बायर ने नहीं पूछा तो उसने नहीं बताया. तो मुझे बताओ क्या सेलर ने फ्रॉड कमिट किया? क्या सेलर के ऊपर ड्यूटी है ये बताने का कि तुम बताओ कि तुम्हारा हॉर्स अनसाउंड है और फिर बेचो उसको? मैंने अगर बोल दिया मेरा हॉर्स अनसाउंड है तो कोई खरीदेगा क्या उसको? तो मेरा 2-4 लाख का तो नुकसान हो जाएगा ना. तो मैं क्यों बोलूं कि मेरे प्रोडक्ट में डिफॉल्ट है? आप मार्केट में जाते हो कपड़े खरीदने के लिए, आपको कोई एक आधा शर्ट अच्छी लगती है, आप लेके आ जाते हो, जब आप पहनते हो, ट्राई करते हो, जब आपको मालूम पड़ता है कि अरे शर्ट में तो यहाँ पे क्या है, फटा हुआ है, थोड़ा सा होल है या कुछ तो है वहां पे, या दाग लगा हुआ है जो आपने लेते वक्त नहीं देखा था, अब आप जा सकते हो लेके बायर के पास, सॉरी सेलर के पास, कि तुमने हमको खराब शर्ट दिया. नहीं, उसको पता भी रहेगा वो नहीं बताएगा आपको. क्यों? क्योंकि वो तो चाहते हैं कि डिफेक्टिव गुड्स बिक जाए मेरे फटाक से. इसके लिए शायद आपको लो हाइएस्ट डिस्काउंट भी दिया रहेगा उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए आके ना. तो क्या सेलर ने फ्रॉड कमिट किया? तुम्हारी आंखें खराब थी, तुमने नहीं देख के लाया तो तुम्हारी गलती है, सेलर की गलती थोड़ी ना है. यस सर नो. आप सब्जी खरीदने जाते हो मार्केट में, टमाटर खरीद रहे हो, आपको नहीं पता चलता कि टमाटर कौन से खराब है कौन से अच्छे हैं,
आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करते हो, भर के लेके आ जाते हो, ठीक है। आप टमाटर खरीदने के लिए गए, आपने अपने हिसाब से टमाटर सिलेक्ट किया, भर लिया, खरीद के घर पे लेकर आया। जब मम्मी ने थैली खोल के देखा तो मम्मी बोलती खराब टमाटर उठा के लेकर आए। इतनी भी अक्कल नहीं कि टमाटर अच्छे लेकर आओ तुम लोग, क्या फायदा इतने बड़े हो तुम लोगों का, बताओ। इसमें सेलर की गलती है कि तुम्हारी गलती है? तुम्हारी गलती है ना, क्योंकि तुमने ठीक से सिलेक्शन नहीं किया अपने गुड्स का और तुम खराब गुड्स लेकर गए, तो उसके लिए सेलर क्यों रिस्पॉन्सिबल हो? सेलर तो चाहता है कि उसके अच्छे गुड्स के साथ खराब गुड्स भी बिक जाए। हा कि ना? हा कि ना? हाँ, तो क्या सेलर के ऊपर कोई ड्यूटी है आपको यह बताना कि इस प्रोडक्ट में डिफॉल्ट है? नहीं है। और उसने आपको नहीं बताया तो क्या उसने फ्रॉड कमिट किया? नहीं किया। तो देखो, सेलर ने अगर ऑक्शन सेल के थ्रू कोई हॉर्स बेचा जो क्या है, अनसाउंड माइंड का है, जो उसने बायर को नहीं बताया कि हॉर्स अनसाउंड माइंड का है, सो सेलर इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू टेल द ट्रूथ और डिफेक्ट ऑफ हॉर्स, हेंस इट इज नॉट अ फ्रॉड। तो यहां पे आपको लगेगा कि अरे यार तू बायर के साथ तो गलत हो रहा है पूरा का पूरा, है ना? आप बायर तो तुमको गलत लग रहा है, तुम सेलर बन जाओ, तुम तो खुश होगे ना, हाँ हाँ खराब प्रोडक्ट भी बिक गया। तो ऐसा क्यों हम लोग बायर को प्रोटेक्शन नहीं दे रहे और सेलर को प्रोटेक्शन दे रहे हैं? तो यहां पे एक रूल लगता है, लेट द बायर बी वेयर, कि बायर को अलर्ट रहने दो और बायर को चेक करने दो कि जो गुड्स खरीद रहा है वो सही है या गलत है। और अगर उसने अपने हिसाब से गुड्स सेलेक्ट किया और गुड्स खराब निकला तो बायर इज रिस्पॉन्सिबल, नॉट द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल, बराबर की नहीं? तो ये वाला रूल आप अप्लाई करते हो जिसको हम केवियट एम्प्टर बोलते हैं, केवियट एम्प्टर बोलते हैं, ये रूल अप्लाई करके आप क्या करते हो, सेलर को प्रोटेक्शन देते हो और बायर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप देते हो। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? तो जनरली जब आप देखोगे तो नॉर्मल सेलर और बायर के बीच, क्योंकि सेलर और बायर के बीच में खाली सेल्स और बाय का ही रिलेशन होता है, इसके अलावा और कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो सेलर के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन लॉ ने इम्पोज नहीं किया है कि तू अपने गुड्स के डिफेक्ट के बारे में किसी भी बायर को बताएगा, क्योंकि क्योंकि लॉ को भी पता है कि अगर हमने डिफेक्ट के बारे में बायर को बता दिया तो बायर कभी नहीं गुड्स परचेस करेगा, बराबर की नहीं? सेलर को नुकसान हो सकता है कि नहीं? हाँ, इसके लिए लॉ ने भी क्या किया, सेलर को प्रोटेक्शन दिया है कि यू डू नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू टेल द ट्रूथ और द डिफेक्ट ऑफ द गुड्स टू द बायर। यहां तक क्लियर है? अभी बायर के ऊपर है, बायर को अपना जजमेंट यूज करना है, लॉजिक यूज करना है, नॉलेज यूज करना है और फिर उसको देखना है कि जो गुड्स वो खरीद रहा है वो सही है या नहीं है। सही है तो ही विल बी हैप्पी कस्टमर, अगर सही नहीं है तो ही विल बी अ सैड कस्टमर, उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सेलर के ऊपर कोई भी फ्रॉड का केस नहीं बनेगा क्योंकि सेलर ने कोई फ्रॉड कमिट नहीं किया है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? देखो, As per the explanation to of section 17, silence is fraud in the following situation. If there is a duty to speak, अगर duty to speak है और आपने नहीं बोला तो definitely your silence will be treated as a fraud. यहां पर फिर एक example दिया उन्होंने, A sell by auction to B a horse which A knows to be unsound. A को पता है, मतलब किसको पता है, seller? हाँ कि ना? Seller को पता है कि यह horse क्या है, unsound mind का है, and says nothing to B about the unsoundness of the horse. और उसने B को कुछ भी नहीं बताया कि horse पागल है या unsound mind का है. So this is not a fraud by A. यहां तक क्लियर आप लोगों को? क्योंकि नॉर्मल जनरल सेल्स एंड बाय के परचे कॉन्ट्रैक्ट में सेलर के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होता है अपने प्रोडक्ट का डिफेक्ट या सारी सच्चाई बायर को बताने की। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? तो यहां पे अगर साइलेंस रहता है सेलर तो आप बोलोगे कि सेलर ने फ्रॉड किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि उसकी ड्यूटी थी क्या बोलने की? नहीं, उसकी ड्यूटी नहीं थी, इसके लिए उसने नहीं बोला। तो क्या उसने फ्रॉड कमिट किया? तो आंसर इज नो, उसने फ्रॉड कमिट नहीं किया। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल। चलो एग्जांपल नंबर टू देखो। एग्जांपल नंबर टू में एक फादर है और एक कौन है, डॉटर है। क्या इनके बीच में रिलेशन है, नियर रिलेशन है? यस। अगर यहां पे क्लाइंट होता, यहां पे अगर क्लाइंट होता और यहां पे कोई
इनका सॉलिसिटर होता, सॉलिसिटर होता या फिर कोई डॉक्टर होता या कोई अदर प्रोफेशन होता, तो भी क्या यहाँ पे फिड्यूशरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता? आप लोगों ने अनड्यू इन्फ्लुएंस में पढ़ा था फिड्यूशरी रियल और अपेरेंट अथॉरिटी बराबर की नहीं, ठीक है वहां तक पता ना आप लोगों को। अब फादर, अनदर एग्जाम्पल में फादर इज सेलिंग द सेम हॉर्स टू हर डॉटर, सॉरी टू हिज डॉटर, ठीक है। अब फादर क्या कर रहा है, अपने ही डॉटर को एक हॉर्स बेच रहा है। अब यहां पे हॉर्स अनसाउंड माइंड का है, क्या यहाँ पे फादर की ड्यूटी है अपनी डॉटर को ये बताना कि बेटा ये घोड़ा पागल है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि इनके बीच में क्या एग्जिस्ट करता है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। मतलब कौन सा रिलेशनशिप होता है, ट्रस्ट एंड फेथ का रिलेशनशिप होता है ना। तो यहाँ पे तो आपको बताना पड़ेगा, सारी इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। और अगर फादर ने डॉटर को विदाउट पासिंग ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स, हॉर्स को सेल कर दिया, तो क्या फादर ने फ्रॉड कमिट किया है? क्या फादर ने फ्रॉड कमिट किया है? यस। क्यों? क्योंकि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में होता क्या है, जो सेलर है उसके ऊपर एक ड्यूटी इम्पोज करी जाती है, जहां पे उनको बताना पड़ेगा प्रोडक्ट के डिफेक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की सच्चाई के बारे में बायर को बताना पड़ेगा, और आपने नहीं बताया देन यू हैव कमिटेड अ फ्रॉड। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? तो यहां पे मानो जो सेलर है वो फादर है और जो बायर है वो कौन है, डॉटर है। ये जो बायर है ये कौन है, डॉटर है। इन दोनों के बीच में अगर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो सेलर बीइंग अ फादर हैज टू पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू द डॉटर। यहां पे उनकी ड्यूटी टू स्पीक अराइज होती है, और अगर यहां पे ये साइलेंट रहते हैं दैट मीन्स ही हैज कमिटेड अ फ्रॉड। यहां तक क्लियर है? जहां पे आपकी ड्यूटी है बताने की और आप नहीं बताते हो, दैट मीन्स यू हैव कमिटेड अ फ्रॉड। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? ग्रेट। थोड़ा टाइम लो, एडजस्ट करो एग्जांपल को। ऊपर वाले एग्जांपल में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप नहीं था, इसके लिए सेलर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं था बताने के लिए। यहाँ पे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, इसके लिए सेलर के ऊपर ऑब्लिगेशन है बताने के लिए, ठीक है। आप लोगों को इसका नोट्स मिलेगा, आई एम मेकिंग श्योर कि इस अटेम्प्ट को ये नोट्स जाएगा ही जाएगा, अपडेशन का काम चालू है, बट आई एम प्री ऑक्यूपाइड विथ माई अदर स्टफ, तो मैं इस पे अटेंशन कम दे पा रही हूँ। अर्लियर आई हैड नम्रता, शी यूज टू डू ऑल दिस स्टफ, अभी वो नहीं है तो शी इज नो, आई एम नॉट एबल टू कम्प्लीट दिस स्टफ, और मुझे कोई दूसरा मिल नहीं रहा जो ये सब काम कर सके, तो इसके लिए आपका नोट जो है थोड़ा डिले हो रहा है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। चलो, हो गया ये सब लिख के डायग्राम ड्रॉ करके? ये नोट्स मिल जाएगा आपको, आप घर पे बैठ के आराम से पेयर में अपने बुक में डायग्राम ड्रॉ करो। देखो सेकेंड एग्जाम्पल में क्या दिया है, दिख रहा है आप लोगों को सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 22 मॉड्यूल का दिख रहा है आप लोगों को? देखो इन द अबव एग्जाम्पल, वो जो ऊपर का एग्जाम्पल है उसको रेफर करो। B is A's daughter. B कौन है? A की daughter है। A कौन था अपना? Seller था। B कौन था अपना? Buyer था। अगर buyer A की daughter है तो here the relation between the parties would make it A's duty to tell B if the horse is unsound. क्योंकि आपके बीच में relation है और इस relation की वजह से क्या होता है, आपके ऊपर duty arise हुई है कि आपको ये बोलना ही है। यहां तक clear हो गया आप लोगों को? Exam में आएगा तो confuse रहोगे क्या? नहीं, दो ही चीजें आपको याद रखनी है। चलो यहां तक क्लियर है आप लोगों को? तो आप लोगों को साइलेंस के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन भी फोकस किया जाता है, तो यहां पर जस्ट मेक श्योर कि साइलेंस है अगर तो ये फ्रॉड है या नहीं है, ये डिटरमाइन करने के लिए आपको ये देखना है कि क्या मेरी ड्यूटी थी बोलना। इफ आंसर इज येस, आपकी ड्यूटी थी और आपने साइलेंस रह गए, तो येस डेफिनेटली यू हैव कमिटेड अ
फ्रॉड, अगर आपकी ड्यूटी नहीं थी बोलना और आपने नहीं बोला तो यू हैव नॉट कमिटेड अ फ्रॉड. यहां तक क्लियर है? बस आपको देखना है इज देयर एनी ड्यूटी टू स्पीक और नॉट. इफ देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक एंड यू हैव रिमेन साइलेंट देन यू हैव कमिटेड अ फ्रॉड. इफ देयर इज नो ड्यूटी टू टेल एंड यू हैव नॉट टोल्ड एनी फैक्ट ऑफ द गुड्स और प्रोडक्ट देन यू हैव नॉट कमिटेड अ फ्रॉड. यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? क्लियर है? When silence is equal to speech, जो अगला पार्ट है कि जहां पे आपका साइलेंस ही आपका स्पीच माना जाएगा, मतलब आपने ना आपने कुछ नहीं बोला तो हम मान लेंगे कि ये ऐसा ही है, और वहां पे आप साइलेंस रह गए तो डेफिनेटली यू हैव कमिटेड अ फ्रॉड. इसका भी एग्जाम्पल देती हूं. देखो, वेयर वेन साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, कब आपका साइलेंस क्या है स्पीच के इक्वल में है. तो एग्जाम्पल नंबर थ्री में है, ये मिस्टर ए एज यूजुअल, ये मिस्टर बी एज यूजुअल, ठीक है. मानो जो एग्जाम्पल नंबर वन हमने देखा है जहां पे सेलर और बायर के बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, उस सिनेरियो को कंटिन्यू करते हुए आपको आगे बढ़ना है. बी जो बायर है वो ए जो सेलर है इसको पूछता है, इफ यू डू नॉट डिनाई द हॉर्स इज अनसाउंड आई शैल अज्यूम द हॉर्स इज साउंड माइंड. मतलब उसने कंडीशन डाल दिया, मतलब वो क्या बोल रहा है कि अगर आप डिनाई नहीं करते हो कि हॉर्स अनसाउंड नहीं है तो मैं मान लूंगा कि हॉर्स क्या है साउंड है. तो इस सिचुएशन में क्या इसको हाँ या ना बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? इफ द हॉर्स इज अनसाउंड ही शुड स्पीक कि हाँ हॉर्स क्या है अनसाउंड है. और अगर इसने नहीं बोला, इसने आगे क्या बोला, आई शैल अज्यूम कि हॉर्स इज साउंड, और आप कुछ बोल रहे नहीं, यू रिमेन साइलेंट, तो क्या आपने फ्रॉड कमिट किया? किया फ्रॉड कमिट? यस. मतलब एग्जांपल नंबर 21 से अगर मैं कंटिन्यू करना चाहूं आपको बताऊं तो देखो, इस लाइन को कट करते हैं. यहां पे बोलते ए सेल बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स, दिख नहीं रहेगा आपको बोर्ड पे, ए सेल बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच ए नोस टू बी अनसाउंड है. तो पता है कि हॉर्स क्या है अनसाउंड है. ए सेज नथिंग टू बी अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स, तो ए ने तो पता है नहीं सामने से बी को कि हॉर्स क्या है पागल है या अनसाउंड है. यहां तक क्लियर आपको? लेकिन बी सेज टू ए, बी ने ए को क्या बोला, इफ यू डू नॉट डिनाई इट, मतलब ये अनसाउंड है या नहीं, अगर आप इसको डिनाई नहीं करते हो, आई शैल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड, मैं अज्यूम कर लूंगा कि हॉर्स क्या है साउंड माइंड है. बराबर की नहीं? तो क्या इस सिचुएशन में ए को साइलेंट रहना चाहिए था, उसको बोलना चाहिए था? बराबर की नहीं? क्योंकि इसका इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर ये साइलेंट रह जाता है तो इसका साइलेंट क्या माना जाएगा, इक्वल टू स्पीच हो जाएगा ना. हम समझ जाएंगे आप कुछ नहीं बोल रहे मतलब हॉर्स क्या है साउंड ही है. हाँ कि ना, आप कुछ नहीं बोल रहे तो वी विल अज्यूम कि हॉर्स क्या है साउंड माइंड है, और आपने कुछ नहीं बोला तो अगेन यहां पे आपकी ड्यूटी टू स्पीक अराइज हुई थी कि नहीं? यस. लेकिन आपने बोला क्या? नहीं बोला. ए सेज नथिंग, हियर एज साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच. बराबर की नहीं? और इसने नहीं बोला, इसका मतलब इसने क्या कमिट किया है? फ्रॉड कमिट किया है. समझ में आ गया आप लोगों को? तो यहां पे इस सिचुएशन में ए ने फ्रॉड कमिट किया है, ऊपर के सिचुएशन में ए ने फ्रॉड कमिट नहीं किया था. यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? सी, यहाँ पे इफ यू डोंट डिनाई इट आई शेल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड माइंड, हियर देयर इज अ ड्यूटी ऑफ ए टू स्पीक एंड ही डिड नॉट स्पीक, ही रिमेन साइलेंट, दैट मीन्स हिज साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, हेंस ही हैज कमिटेड अ फ्रॉड, हेंस ही हैज कमिटेड अ फ्रॉड. यहां तक क्लियर है आप लोगों को? तीन एग्जाम्पल क्लियर हो गए. तीनों में अलग अलग सिचुएशन थी, ड्यूटी टू स्पीक थी और साइलेंट इक्विवेलेंट टू स्पीच है. ड्यूटी टू स्पीक में दो सिचुएशन है, अगर आप नॉर्मल बायर सेलर हो तो देर इज नो ड्यूटी टू स्पीक, तो आपने नहीं बताया तो आपने फ्रॉड कमिट किया क्या? नहीं किया. ऑन दी अदर एंड आपके बीच में कोई रिलेशन है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, और वहां पे अगर आपने कोई फैक्ट नहीं बताया अबाउट द प्रोडक्ट का डिफेक्टिवनेस, देन यू हैव कमिटेड अ फ्रॉड. क्लियर है? थर्ड एग्जाम्पल में जहां पे आपका साइलेंस ही स्पीच माना जाएगा और वहां पे भी आप साइलेंट रह जाते हो तो हम क्या बोलेंगे, आपने क्या कमिट किया है? फ्रॉड कमिट किया है. यहां तक क्लियर है आप लोगों को? कोई डाउट? गुड. फिर उसके आगे है अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द फ्रॉड. अभी हम लोगों ने एक एलिमेंट पढ़ा, एक एलिमेंट क्या था, वो जो एक एलिमेंट है वो ये है,
जहां पे रिप्रेजेंटेशन या जो असर्शन हो रहा है वो क्या है, गलत है, रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, एंड विच इज रॉन्ग, विच इज फॉल्स. अगर आप ऐसा फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, दैट मीन्स यू हैव कमिटेड अ फ्रॉड इन द गिवन सिचुएशंस ओनली. हाँ तो क्लियर है. अब जो अदर पॉइंट्स है वो आपको यहां से पढ़ने हैं. अदर पॉइंट्स, रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी रिलेटेड टू फैक्ट, मतलब जो फैक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट मैटर है जिसके ऊपर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उससे रिलेशन करना चाहिए ना रिप्रेजेंटेशन. आप कॉन्ट्रैक्ट कुछ और कर रहे हो, रिप्रेजेंट किसी और चीज को कर रहे हो, तो कोई रेलेवेंस है क्या हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो? इफ इट इज नॉट रेलेवेंट टू आवर कॉन्ट्रैक्ट तो मैं कुछ भी बोलू उससे मैटर नहीं करता, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं होगी. देखो, ए हु इज अबाउट टू सेल गुड्स सेल्स दैट गुड्स कॉस्ट हिम रुपीज 50,000. अब यहाँ पे ना कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई नहीं, जस्ट खाली इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही है. क्या हो रहा है? ए है जो अपनी गुड्स बेचने जा रहा है या बेचने वाला है, वो बोलता क्या है, गुड्स कॉस्ट हिम रुपीज 50,000, ये गुड्स का खर्चा मुझे कितना है, 50,000 रुपए का आया. रेलेवेंट है क्या हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में? तुमको कितने का भी कॉस्ट है मुझे क्या करना है उससे? अगर सामने कोई दूसरा बाय रही हु इज अग्रीड टू पे यू 1,00,000 रुपीज, तो इट बिकम्स इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर हिम. बराबर की नहीं? दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट. ठीक है, अब आगे क्या बोला है, बट इफ ही सेज दैट द गुड्स आर वर्थ रुपीज 50,000, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन. अगर वो बोलता है कि इस गुड्स की वैल्यू कितनी है, 50,000 की है, यू डोंट नो वट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द गुड्स, बट यू आर गिविंग योर ओपिनियन ना कि हाँ शायद इस गुड्स का वर्थ कितना हो सकता है, 50,000. जैसे मैं आपको पूछूंगी इस रिमोट का वर्थ कितना है, हाँ देखो 10 रुपया बोल रहे हैं. इट कैन बी एनीथिंग ना, वॉट एवर यू थिंक यू विल से. बराबर के नहीं? लेकिन वो बोले हाँ ये गुड्स का वैल्यू 100 रुपया है, तो मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बताया. बराबर की नहीं? तो ये क्या है, खाली रिप्रेजेंटेशन है जो फैक्ट के रिलेशन में, बाकी और कुछ नहीं. तो यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं हो रहा, आप खाली फैक्ट्स बता रहे हो उस गुड्स के बारे में, तो इट इज नॉट अ फ्रॉड. अगला क्या है, रिप्रेजेंटेशन शुड बी मेड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विथ द इंटेंशन टू इंड्यूस द अदर पार्टी टू एक्ट अपॉन इट. कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आप गलत रिप्रेजेंटेशन देते तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं. कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के पहले ही आपने क्या किया है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन किया हुआ या गलत रिप्रेजेंटेशन किया है कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले, और फिर उससे क्या हुआ, आपने रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन दिया ना, सामने वाले पार्टी ने उसको सच मान के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, तो फ्रॉड है. एक बार आपने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, फिर उसके बाद उसने कुछ एडिशनल फैक्ट बताया आपको जो गलत है, तो कोई रेलेवेंस नहीं रहता क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट पहले ही कंक्लूड हो चुका था, तो आप बोल नहीं सकते कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी मेरे साथ, क्योंकि फ्रॉड होने के पहले ही आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया ना. फ्रॉड होने के बाद आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, उसके बाद फ्रॉड हुआ, उसके बाद उसने कुछ ऐसे स्टेटमेंट बोला जो क्या थे, गलत थे, या कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिया जो क्या थे, गलत थे, तो कोई रेलेवेंस रखता है आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए? तो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड ही माना जाएगा. क्यों? क्योंकि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट में हाँ बोला तब वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट ही नहीं थी, दैट वाज अ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट फॉर यू, एंड देन यू एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. खुद का डिसीजन लेके किया आप लोगों ने, यस और नो? तो क्या लिखा है, द रिप्रेजेंटेशन शुड बी मेड, जो भी आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, जब भी आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन का रिप्रेजेंट दे रहे हो वो कब होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होने के पहले, तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के पहले ही होना चाहिए, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द इंटेंशन टू इंड्यूस, ताकि आप क्या इंटेंशन दे रहे हो कि सामने वाली पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट में इस रिप्रेजेंटेशन की वजह से एंटर कर रही है, तो फ्रॉड है आपके लिए. समझ में आ रहा है? समझ रहे आप लोगों को? आपने कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया, उसके ऊपर सामने वाली पार्टी ने सोचा विचार किया और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, वो रिप्रेजेंटेशन गलत था, तो फ्रॉड हुआ क्या आपके साथ? यस, फ्रॉड हुआ. आपको कोई रिप्रेजेंटेशन है, आपको बेसिक्स फैक्ट बताया, आप उस पर अग्री किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, उसके बाद उसने उस कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशन में आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया विच वॉज रॉन्ग, विच वॉज फ्रॉडुलेंट इन नेचर. आप बताओ फ्रॉड हुआ आपके साथ? नहीं, आपने तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया था ना. यू ऑलरेडी एंटर्ड इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट, यू कंक्लूडेड द कॉन्ट्रैक्ट, एंड देन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी स्टार्टेड टू बिगिन. हाँ कि ना? तो वो फ्रॉड में कंसिडर नहीं किया जाएगा, इस फ्रॉड में कंसिडर नहीं किया जाएगा. यहां तक ठीक है? तो फ्रॉडुलेंट जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के पहले ही जानी चाहिए, उसके बाद नहीं. सो इट द रिप्रेजेंटेशन शुड बी मेड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. यहां तक क्लियर है? ताकि इस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे सामने वाली पार्टी क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे, अदरवाइज नहीं. ठीक है? थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को?
नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या है, द रिप्रेजेंटेशन और द स्टेटमेंट शुड बी मेड विथ अ नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सिटी. आपको पता होना चाहिए कि जो रिप्रेजेंटेशन आप दे रहे हो वो रिप्रेजेंटेशन क्या है, गलत है. आपको पता है ये रिप्रेजेंटेशन में जो दे रहा हूं वो गलत है, फिर भी आप सामने वाले को बोलते नहीं ये सही है, तो क्या आपने फ्रॉड किया? हाँ, आपको अगर बिलीव है कि नहीं यार ये शायद सच है और सामने वाले को भी आप बोलते हो हाँ हाँ ये सच ही है, तो फ्रॉड हुआ क्या? मैं एग्जांपल देती हूँ, ये देखो, मतलब बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल देती हूं. ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है और ये आप हो मिस्टर यू. ये कौन हो? आप लोगों मिस्टर यू हो, ठीक है. आप लोगों को पता है ये ए है, आप लोगों को ये भी पता है कि ये बी है, मतलब यू कैन इजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन ए एंड बिटवीन बी, बराबर की नहीं? जैसे अभी मैं बोलूंगी तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सुप्रिया एंड ऋतुजा, है कि नहीं है? मेरे को पता है ना ये चीज है, अभी पता है मेरे को ये चीज है, तो मैं आई नो दैट सुप्रिया इज दिस पर्सनैलिटी, ऋतुजा इज दैट पर्सनैलिटी. यहां तक क्लियर है आप लोगों को? और फिर भी मैं जाके आपको ये बोलती हूँ नहीं नहीं ये जो ऋतुजा जो एक्चुअल में ऋतुजा है, मैं बोलती हूँ ये सुप्रिया है, क्या ये फैक्ट सच है? गलत है ना? मुझको पता है ना ऋतुजा ऋतुजा है, ऋतुजा सुप्रिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्या बता रही हूँ, ऋतुजा सुप्रिया है. किसको बता रही हूँ मैं? किसी एक्स वाई जेड पर्सन को बता रही हूँ, मुझे कहीं रिप्रेजेंट करना है उसको. आके ना इधर ध्यान दो, अब ध्यान दो इधर क्या लिखा है, यहां ध्यान दो आप ये पॉइंट समझने के लिए. द रिप्रेजेंटेशन और अ स्टेटमेंट शुड बी मेड विथ अ नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सिटी. मुझको पता है ये झूठ है, फिर भी मैं रिप्रेजेंट दे रही हूं कि ये सही है. यहां तक क्लियर है आप लोगों को? और विदाउट अ बिलीफ इन इट्स ट्रूथ, या आपको भी भरोसा नहीं है कि शायद ये इंफॉर्मेशन सच है या नहीं है. और रेकलेसली नॉट केयरिंग वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, केयरलेसली और केयरलेस पीपल की तरह आप उस पर ट्राई, मतलब थोड़ा भी ट्राई नहीं करते ये इंफॉर्मेशन लेने का कि जो इंफॉर्मेशन मैं दे रही हूँ सामने वालों को या जो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ सामने को वो सही है या गलत है. तो मैंने सारा यहाँ पे कांड किया ना, केयरलेसनेस मैं दिखा रही हूँ, ठीक है, या मुझे पता है कि शायद से इन्फॉर्मेशन गलत है, फिर मैं बोल रही हूँ ये इन्फॉर्मेशन सही है, या मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन सही, बट इनफैक्ट आई नो इट टू बी फॉल्स. समझ में आ रहा है? तो मैंने रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन दिया ना, रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन देना मतलब आपने क्या कमिट किया है, फ्रॉड कमिट किया है. देखो अगर आप ये रिप्रेजेंटेशन देते आपको लगता कि ये सच है, आपको लगता कि ये सच है और फिर आप किसी को ये इन्फॉर्मेशन देते तो फ्रॉड नहीं होता है. आपको पता है ये गलत है फिर भी आप सामने वाले को बोल रहे हो ये सही है, तो आपने क्या किया है, फ्रॉड कमिट किया है. ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, धुंधला धुंधला सा क्लियर हो रहा है क्या? गुड. आगे, अच्छा मैंने रिप्रेजेंट किया तो सामने वाला पार्टी उसके ऊपर एक्ट भी तो करना चाहिए ना, बराबर की नहीं? द अदर पार्टी मस्ट हैव बीन इंड्यूस्ड टू एक्ट अपॉन, मतलब जो मैंने गलत रिप्रेजेंटेशन दिया उस गलत रिप्रेजेंटेशन को अदर पार्टी ने सही माना और उसके ऊपर एक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, बराबर की नहीं? अपॉन द रिप्रेजेंटेशन और द असर्शन. अब यहां पे एक एग्जांपल दिया है, मैं इस एग्जांपल का आपके लिए मैंने चार्ट बनाया था, इस एग्जांपल का है नहीं इसके अंदर, चलो बाद में ऐड कर दूंगी. ये देखो क्या लिखा है एग्जांपल में, एग्जांपल में क्या लिखा है इधर, लक्ष्य दिया. ए बॉट शेयर्स इन अ कंपनी, ए ने क्या किया है, ए ने किसी कंपनी के शेयर्स को क्या किया है, खरीद लिया है, ठीक है, ए ने किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद लिया है. ऑन द फेथ ऑफ द प्रोस्पेक्टस, कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है, मैंने आपको बहुत बार समझाया कि व्हाट इज प्रोस्पेक्टस, हाँ, विच कंटेन्ड एन अनट्रू स्टेटमेंट दैट बी वॉज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मतलब ए एक पर्सन है
जिसने से फॉर एग्जाम्पल किसी एक्स कंपनी का क्या किया है, शेयर्स खरीद लिया है। ए ने क्या किया है, एक्स कंपनी का शेयर खरीद लिया है। शेयर खरीदने के टाइम पे जो कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है। प्रोस्पेक्टस में एक लाइन लिखा है जो गलत है। प्रोस्पेक्टस में ये लाइन लिखा है कि बी क्या है, उनकी कंपनी का डायरेक्टर है। ये इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में लिखा है। देखो जनरली कंपनी लॉ बोलता है कि प्रोस्पेक्टस में आप कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते हो। अगर आपने कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाला या करेक्ट इन्फॉर्मेशन को ओमिट किया डालने से, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन इस कंपनी ने क्या किया है, जानबूझ के एक गलत स्टेटमेंट डाला है। मतलब एक कंपनी को भी पता है कि बी इसका डायरेक्टर नहीं है, फिर भी वो लोगों ने अपने प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा है कि बी हमारा डायरेक्टर है। क्या कंपनी ने फ्रॉड कमिट किया है? डिसीजन लेने के पहले आगे का केस पढ़ो। इतने जल्दी सीए लोग डिसीजन नहीं लेते जब तक पूरा केस आपके सामने आता नहीं है। डू नॉट टेक एनी डिसीजन इन योर लाइफ, ठीक है? आगे देखो ए। अब ये ए पर्सन है जिसने क्या किया, इस कंपनी का शेयर परचेस किया है। हैड नेवर हर्ड ऑफ बी, इसने कभी बी के बारे में सुना ही नहीं है। मतलब अगर कोई बी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, जो बहुत बड़ा डायरेक्टर है, ए को फर्क ही नहीं पड़ता उससे, क्योंकि ए ने कभी सुना ही नहीं है उसके बारे में, बराबर की नहीं। एंड देयरफॉर द स्टेटमेंट वॉज इमटेरियल फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। इसने तो खाली कंपनी के शेयर्स परचेस कर लिए, इसको नहीं फर्क पड़ता है कंपनी में कौन डायरेक्टर है, कौन सीईओ है, कौन मैनेजर है, इसे कोई फर्क नहीं, इसको कोई लेना देना है ही नहीं। इसके लिए इसने कभी बी के बारे में सुना ही नहीं था, बराबर की नहीं। इसके लिए ए के लिए प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ जो इन्फॉर्मेशन है कि बी कंपनी का डायरेक्टर है, वो इररिलेवेंट हो गया, इमटेरियल हो गया, क्योंकि तुम्हारे तुमको तो एनीवेज कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तुमने कभी उस पर्सन के बारे में जाना ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, हाँ कि ना? तो आपने उस पर्सन की बेसिस पे तो डिसीजन नहीं लिया रहेगा अपनी कंपनी का शेयर परचेस करने का, यानी बराबर की नहीं। आगे ए क्लेम फॉर डैमेजेस, आगे जाके उसको मालूम पड़ा कि इस कंपनी ने जो एक स्टेटमेंट लिखा था कि बी इस कंपनी का डायरेक्टर है, वो गलत स्टेटमेंट लिखा था। तो ए ने क्या किया, कंपनी के अगेंस्ट में केस फाइल किया और बोला कि मुझको डैमेजेस चाहिए, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ है, फ्रॉड हुआ है। ए बोल रहा है कि ए के साथ फ्रॉड हुआ है। आप मुझको बताओ क्या ए के साथ फ्रॉड सच में हुआ है? सोच के बोलो, क्या सच में फ्रॉड हुआ है ए के साथ? चलो एनालाइज करते हैं इसको विद द डेफिनेशंस, ठीक है? तो डेफिनेशन में जो पहला पॉइंट क्या था फ्रॉड होने के लिए, तो पहला पॉइंट वो लोग क्या बोलते हैं, पहला पॉइंट क्या बोलते हैं, देयर मस्ट बी रिप्रेजेंटेशन और assertion and it must be false, बराबर की नहीं? तो क्या कंपनी ने रिप्रेजेंट किया कि बी उनका डायरेक्टर है, क्या वो सही था या गलत था? गलत था। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या किए, क्वालिफाई किया, मतलब हाँ पहला पॉइंट सही बोल रहे, लेकिन डिसीजन लोगे क्या आप भी? नहीं। आगे बढ़ते हो सेकेंड पॉइंट में, तो आपको पढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट में क्या बोला उन्होंने, रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी रिलेटेड टू फैक्ट, फैक्ट रिलेशन में ही है, क्योंकि आप वो कंपनी के शेयर्स परचेस कर रहे हो तो वो आपके लिए रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन बन जाता है, तो यस ये कंडीशन में आपने क्वालिफाई किया। थर्ड क्या बोल रहे हैं, द रिप्रेजेंटेशन शुड बी मेड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वही हुआ, क्योंकि पहले कंपनी का प्रोस्पेक्टस आया, उसके बाद आपने एप्लीकेशन किया और आपको शेयर्स मिला, बराबर की नहीं? तो आपने क्या किया, पहले रिप्रेजेंटेशन हुआ गलत फैक्ट का, बराबर की नहीं? फिर उसके बाद आपने कंपनी के शेयर्स परचेस किए, हाँ कि ना? हाँ। तो पहले रिप्रेजेंटेशन हुआ कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के पहले ही, ठीक है? तो ये वाला कंडीशन भी आपने क्वालिफाई कर दिया। अगला कंडीशन, रिप्रेजेंटेशन और स्टेटमेंट शुड बी मेड विद द नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सिटी। नॉलेज था ना कंपनी को कि ये रिप्रेजेंटेशन गलत ही है, गलत है ये, कंपनी को पता था कि नहीं पता था? पता था। तो ये वाला कंडीशन भी आपने क्वालिफाई कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट चार कंडीशन आपने क्वालिफाई कर लिए। अब नेक्स्ट कंडीशन, अदर पार्टी मस्ट हैव बीन इंड्यूस्ड टू एक्ट अपॉन द रिप्रेजेंटेशन और असर्शन। जो अदर पार्टी है, उस अदर पार्टी ने इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ही डिसीजन लिया था अपनी कंपनी के शेयर्स खरीदने का या नहीं खरीदने का, बराबर की नहीं? आपने जितना भी केस पढ़ा, उस केस में आपको कहीं भी लगा कि ए ने जो प्रोस्पेक्टस में लिखा था कि बी इस कंपनी का डायरेक्टर है, उसके बेसिस पे कंपनी के शेयर परचेस किए? नहीं। ए को तो पता ही नहीं था इनफेक्ट कि बी है कौन, तो उसने जो शेयर्स परचेस किया वो किसी और डिसीजन के थ्रू परचेस किया है, उसने इस मिस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर तो डिसीजन नहीं लिया ना शेयर परचेस करने का,
तुमको लग रहा है क्या कि इस मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से उसने शेयर परचेस किया? अगर वैसा होता तो क्लियरली एग्जांपल में लिखते वो लोग कि बी सॉरी ए ने उस स्टेटमेंट के ऊपर बिलीव किया और फिर उसके ऊपर एक्ट किया और कंपनी का शेयर परचेस किया। ऐसा तो कुछ है ही नहीं अपने एग्जांपल में, बराबर की नहीं। देखो तो इस पॉइंट में आपका कंडीशन क्वालिफाई हुआ क्या? नहीं। अगर आपका ये कंडीशन क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या आपने आपके साथ फ्रॉड हुआ क्या? नहीं हुआ। तो अब फिर से एग्जांपल पढ़ो। ए बॉट शेयर्स इन अ कंपनी ऑन द फेथ ऑफ द प्रोस्पेक्टस विच कंटेन द अनट्रू स्टेटमेंट दैट बी वॉज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। उसने प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे कंपनी के शेयर परचेस किए, लेकिन ए नेवर हर्ड ऑफ बी एंड देयरफॉर द स्टेटमेंट वॉज इमटेरियल फ्रॉम his point of view and A's claim for damages in this case was dismissed because the untrue statement had not induced A to buy the shares. क्योंकि किसी भी तरीके से ये वाले statement की वजह से A ने shares को खरीदा नहीं था, इसके लिए A के साथ fraud नहीं हुआ है, बराबर की नहीं। अगर यहाँ पे कोई एक person होता जिसका नाम C है, ठीक है, और C ने जब प्रोस्पेक्टस पढ़ने के बाद जब उसने देखा कि बी वॉज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये इन्फॉर्मेशन देखने के बाद ही उसने क्या किया, कंपनी के में शेयर्स के लिए अप्लाई किया और उसको शेयर्स मिल गया। और आगे जाकर उसको मालूम पड़ा कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था, कंपनी ने झूठ बोला। तो क्या ये कंपनी के ऊपर फिर केस करके डैमेजेस क्लेम कर सकता था? यस। क्यों? क्योंकि उसने इस अनट्रू स्टेटमेंट के ऊपर बिलीव करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। ए का तो ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं अराइज हुआ, हाँ कि ना? इसके लिए ए के साथ फ्रॉड नहीं हुआ और सी के साथ फ्रॉड हुआ। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? गुड। नेक्स्ट क्या है? अदर पार्टी मस्ट हैव रिलाइड अपॉन द रिप्रेजेंटेशन एंड मस्ट हैव बीन डिसीव्ड। आपने उस मिस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर या गलत रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आपने रिलाई किया, मतलब भरोसा किया उस स्टेटमेंट के ऊपर, एंड आपको क्या हुआ है? नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, हार्म हुआ है, डैमेज हुआ है। एंड द अदर पार्टी एक्टिंग ऑन द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव कॉन्सिक्वेंटली सफर्ड अ लॉस। इस मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से आपने क्या सफर किया है? लॉस सफर किया है। अगर ये साथ के सातों एलिमेंट आप क्वालिफाई कर लेते हो तो यस, आपके साथ फ्रॉड हुआ है। यहां तक क्लियर है? एक आधा एलिमेंट भी छूट गया तो आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ है और आपको कोई डैमेजेस नहीं मिलेगा। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? बस तो ये था पूरा का पूरा फ्रॉड का टॉपिक। हाँ, अब इसके आगे, पहले ये सिचुएशन था जो मैंने आपको बताया, लेट द बायर बी वेयर वाला, साइलेंस इज इक्वल टू नॉट स्पीच, मैंने आपको बताया ना ऐसा कुछ। तो ये एक्चुअली यहां का पार्ट था जो पहले आपके सिलेबस में था, लेकिन आपके सिलेबस में अभी नहीं है, तो आपके प्रिंटेड नोट में से अगर रहा तो आपको कट करना है ऐसे। फिर उसके आगे प्रीवियसली ये सब भी था, ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू स्पीक, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप की बात किया ना, तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में क्या क्या हो सकता है, उसके अलग अलग क्या है केसेस दिए थे। तो यहाँ पे ब्रोकर का एक केस था, फिर यहाँ पे इंश्योरेंस का एक केस था, यहाँ पे मैरिज का एक केस था, फैमिली सेटलमेंट का केस था और शेयर अलॉटमेंट का केस था। अब ये सारे केसेस क्या कर दिया है, विदड्रॉ कर लिए गए सिलेबस में से आपके। तो आपको जाके ये भी सब नहीं पढ़ना है, ये भी आपको कट मारना है इससे, अगर आपके मॉड्यूल में हुआ तो, अदरवाइज इग्नोर करो, यहां तक कट करना। और ये लास्ट वाला पार्ट जो हमने ऑलरेडी ऊपर कवर कर लिया है, तो ये पुराना एग्जांपल है, इसको भी आपको कट मारना है अगर आपके मॉड्यूल में है तो। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? तो पहले जो इतना लोगों ने स्प्रेड करके रखा था फ्रॉड को और अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करके रखा था स्टडी मैट में, उन्होंने क्या किया, उसको कॉम्प्रेस कर दिया और बोला इतना ही इन्फॉर्मेशन पढ़ो, इतना ही आपके लिए रेलेवेंट है। क्योंकि छोटे बच्चे हो ना आप लोग, कितना पढ़ोगे, पढ़ पढ़ के रे भूल जाते हो ना सब चीजें। हाँ, बस इसी के लिए आपको ध्यान में रखते हुए वो लोगों ने क्या किया, डिसाइड किया कि हम इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? तो फ्रॉड इस तरीके से क्या होता है, खत्म होता है। फिर उसके आगे आता है इफेक्ट ऑफ फ्रॉड अपॉन द वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कि फ्रॉड का इफेक्ट क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के ऊपर। यू आर गोइंग टू टेल मी इफ यू नीड अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू विद दिस। ब्रेक चाहिए? ठीक है, टेक अ ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक लो।